आज मैं आप लोगों के साथ होममेड चोकोबार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है, इनफैक्ट बड़ों की भी होती है। और साथ ही साथ वेनिला आइसक्रीम भी बनाएंगे। घर के बेसिक सामान से इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और इसका जो टेस्ट है, टेक्स्चर है, मार्केट से भी बढ़िया आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप दूध। तो आप यहाँ पर फुल फैट, नॉर्मल कोई सा भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है और 1/4 कप के करीब, मतलब 2-3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर दूध को अलग कर लिया है। और बाकी के दूध में मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून तक आप शुगर ऐड कर सकते हैं, उससे अच्छा मीठा हो जाता है। और जो दूध है ना, उसे थोड़ा बॉयल कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट तक के लिए। और जो दूध हमने अलग करके रखा था ना, उसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। तो इससे ना जो आइसक्रीम है ना, बहुत ही बढ़िया बनती है। आप बहुत लोग बोलते हैं कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से। और थोड़ा थोड़ा करके जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है ना, वो हम दूध में ऐड कर देंगे और गाढ़ा होने तक के लिए इसे हम पका लेंगे। 1-2 मिनट में ही आप देखेंगे ये अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसे उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। ऊपर में इसका जो लेयर है वो सूख ना जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्लिंग फ्लिंग से रैप कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अमूल का फ्रेश क्रीम। ये बहुत ही आसानी से आपको सभी जगहों पर अवेलेबल मिल जाता है। इससे जो आइसक्रीम है ना, बहुत ही बढ़िया बनती है। और घर में अगर आप इस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो आपको मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा खाने में। वैसे मैंने और भी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और ये जो क्रीम है ना, जब आप मार्केट से लेकर के आए ना, तो आप इसे फ्रिज में रख दें 5-6 घंटे के लिए। जब ये अच्छा चिल्ड हो जाए ना, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे, इसे डबल बॉयलर से बीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरे बाउल में आइस ले लिए हैं, बर्फ थोड़े से थे, और दूसरा जो बाउल है ना, इसके ऊपर हम रख देंगे क्रीम वाला बाउल। उसके बाद हम इसे बीट करेंगे। बीट करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से जो हैंड विस्कर होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हैंड बीटर है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उससे भी हो जाता है, लेकिन ब्लेंडर से तो बहुत ही जल्दी से हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होना, तो आप इसे बीटर से कीजिएगा, लेकिन मिक्सर में मत कीजिएगा। मिक्सर से ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि क्या हम इसे मिक्सर में बना सकते हैं क्या, तो ये मिक्सर में नहीं बनेगी। थोड़ा सा हम इसे बीट करेंगे ना, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सर बना के रखा था ना, कॉर्नफ्लावर और दूध वाला, ये भी अच्छा ठंडा हो गया है, तो हम इसे क्रीम में ऐड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इस मिक्सर को ऐड करेंगे ना और इसे फेंटते रहेंगे, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। वेनिला आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस ऐड किया है। और अब देखिए, मैं यहाँ पर इसे चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैसी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। और जैसे जैसे आप इसे मतलब फेंटेंगे ना, ये एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी, जैसे कि व्हिप क्रीम होती है। आप देखिए, अब मैं इसे एक बार वापस से मिक्स कर रही हूँ बीटर से। ये ज़रूरी नहीं है, आप चम्मच से भी कर सकते हैं, बट एक बार मिक्स कर लेंगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से, वेनिला एसेंस वगैरह मिल जाती है क्रीम में। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि ये सिर्फ अमूल फ्रेश क्रीम की बनी हुई है। और ये जो हमने आइस लिया था ना बाउल में, ये भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है, तो अभी हम इसी तरह से इसे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर आइसक्रीम को सेट करने के लिए मोल्ड ले लिया है। ये सिलिकन वाले मोल्ड हैं, और कुछ ये चम्मच स्टिक होते हैं ना, वो ले लिए हैं। मैंने इसके चम्मच को अलग कर दिया काट करके, और जो स्टिक है ना, हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। आपके पास जिस भी तरह का मोल्ड हो, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आइसक्रीम सेट करने के लिए। ये छोटे छोटे साइज़ के थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसी का इस्तेमाल किया है। इसमें हम आइसक्रीम का बेस रखते जाएंगे, मतलब डालते जाएंगे। एक एक आप अच्छे से इसे फील कर लें। आप चाहें ना तो इसे ऐसे ही प्लेन बना करके खा सकते हैं, या फिर जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, आप उसका एसेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उस फ्लेवर का आप आइसक्रीम बना करके तैयार कर सकते हैं। और जो बाकी का आइसक्रीम बेस है ना, उसे मैं यहाँ पर एक
टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इससे मैं बेसिक वाली वनीला आइसक्रीम ही बनाऊँगी, मतलब ये बेसिक वाला वनीला आइसक्रीम का ही बेस है। तो मैंने यहाँ पर जो आइसक्रीम का बेस था ना, सारा ही टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दिया और अच्छे से इसे ढक्कन से हम ढक देंगे। अगर आप किसी खुले बर्तन में जमा रहे हो ना, तो उसे अच्छे से क्लिंग फ्लिंग या फिर एल्युमिनियम फॉइल से आप अच्छे से उसे रैप कर लें। और ये जो मैं मोल्ड में रख रही हूँ ना, इसे भी मैं थोड़ा सा क्लिंग फ्लिंग से ढक दे रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जो आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना सेट हो। और इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए। जो ये हमने मतलब चॉकोबार वाला दिया है ना, वो तो 4 से 5 घंटे में ही सेट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे मतलब रखे हुए आइसक्रीम को 6 से 7 घंटे हो गए। तो चॉकोबार बनाने के लिए इसमें चॉकलेट की कोटिंग करने पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट ले लिया, ये मिल्क कंपाउंड चॉकलेट है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर सुपरमार्केट में या फिर कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, अमूल वगैरह का भी, और मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छे से यहाँ पर हम इसे मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर की मदद से। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और तकरीबन मैंने पर 100 ग्राम के करीब चॉकलेट लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चॉकलेट है ना, अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच तेल, कोई सा भी तेल आप ऐड कर दें, नॉन फ्लेवर्ड, मतलब सरसों वगैरह छोड़ करके आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब हम इसमें आइसक्रीम में चॉकलेट की कोटिंग करेंगे ना, तो चॉकलेट जमेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, बाकी के सारे आइसक्रीम इससे अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो जो मोल्ड में मैंने ऐड किया था ना, उसे हम यहाँ पर डिमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हल्का से यहाँ पर हम मोल्ड हटाएंगे ना, ये आराम से यहाँ पर निकल आता है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से। और हम इसमें क्या करेंगे, चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे। और 30 सेकेंड के लिए आप इसे हाथ में ही पकड़ के रखिएगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाता है तुरंत ही, क्योंकि जो आइसक्रीम है वो ठंडी ठंडी होती है और इसमें चॉकलेट जाता है, तो ये तुरंत ही सेट हो जाती है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है ना देखने में, मार्केट स्टाइल बिल्कुल। और 2 मैंने यहाँ पर प्लेन मतलब कोटिंग की है चॉकलेट की, बाकी का 2 में मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मतलब काजू, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आपको जो भी पसंद हो इस तरह से प्लेन वाले या फिर काजू वाले, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा चॉकोबार है ना, बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे मतलब मार्केट वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। और अगर आप इसे घर में बनाएंगे ना, तो बच्चे बड़े सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ टिफ़िन वाला जो मैंने सेट होने के लिए रखा था। तो जब भी आप यहाँ पर इस तरह से आइसक्रीम स्कूप करें ना, तो इसे 1-2 मिनट तक के लिए बाहर ही छोड़ दें, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाए और ये अच्छे से स्कूप आउट हो जाए। देखिए यहाँ पर जो हमारी वनीला आइसक्रीम है ना, नॉर्मल वाली, वो भी बन करके तैयार हो गई है। जो भी आपको पसंद हो आप ज़रूर से बनाइएगा। वैसे चॉकोबार तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वनीला आइसक्रीम बड़ों को, तो आप दोनों ही ट्राई कीजिएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कैसी लगी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।